आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अंदर की तरफ वो ट्यूब्स जो होती है कैसे उसमें कचरा आता है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसमें कचरा आया हुआ है और कैसे इस कचरे को आप 30-40 रुपए के खर्चे में साफ कर सकते हैं। तो वो सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ पाए कि कैसे ट्यूब्स में कचरा आता है, उसके लिए मैं इस रेडिएटर को बीच में से ऐसे कट कर लूंगा और फिर मैं आपको दिखाता हूं। तो ये देख सकते हैं, ये हमने इसको काट लिया है और इस तरह से ये ट्यूब्स में आपको कचरा आता है। कैसे आता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली ट्यूब आपको बिल्कुल ब्लॉक मिल जाएगी जो कि पूरी तरह से आपकी ब्लॉक है। तो इस तरह से इसमें कचरा आता है। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे आप इस कचरे को, अंदर वाले कचरे को भी और बाहर से जो ये फिन्स है, इस पे जो ये गंदगी जमा है, इनको आप कैसे इसको साफ कर सकते हैं। इसको साफ करने के लिए जो हम चीज यूज करने वाले हैं वो है इस तरह का जो आपका एसिड आता है, ये आपको राशन की दुकान पे मिल जाएगा। ये जो आपका बाथरूम या किचन जो है उसका जो ड्रेन होता है वो जब ब्लॉक हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए ये आता है। बाथरूम ड्रेन क्लीनर आप बोल सकते हो, या बाथरूम का जो ड्रेन में ऐसे डलता है वो आपको ये मिल जाएगा। राशन की दुकान से आपको आसानी से मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर से। तो 30-40 रुपए की ये एक लीटर की बोतल आती है। इसमें यहाँ पे एक पेचकस की सहायता से एक सुराख कर लूंगा इस बोतल के ढक्कन में ही। और आपको बस इस पे डाल देना है। सिर्फ आपने इस पे डाला है और ये देखिए कचरा कैसे निकल रहा है। यहाँ पे देखिए नीचे देखिए पूरा खुद ही बाहर खींच रहा है सारा। तो ये आप देख सकते हैं कैसे इसमें से कचरा निकला है। कुछ नहीं किया मैंने, कोई ब्रश लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये देखिए कैसे इसमें से कचरा निकला है। देखिए दूसरी साइड में भी ऐसे ही किया है, देखिए सारे कचरे को बाहर खींच लिया इसने। तो इसको आपको थोड़ी देर यहीं पे छोड़ देना है, इसके बाद आप इसको पानी डाल के इसको साफ कर सकते हैं। तो अब मैं इसको पानी से साफ करूंगा, पानी इस पीसिक में डालना है। तो ये तो बाहर से साफ हो गया, अब मैं एक बारी एसिड इसके अंदर भी डालूंगा।
पानी डाल दूंगा मैं। तो रिजल्ट आपके सामने है, ये इधर वाला आप देख सकते हैं कि ये मैंने साफ किया है, और ये वाला आप देखिए, दोनों का अंतर आपको साफ दिखाई दे रहा है। और कितना एसिड लगा है वो भी आप देख लीजिए, ये तो मैंने 2-3 बार एक्स्ट्रा और डाल दिया, लेकिन इतने में आप पूरा रेडिएटर ये साफ कर सकते हो, अंदर से भी और बाहर से भी। देखिए कैसे ये चमक रहा है पूरा, ये देखिए यहाँ पे इसकी ट्यूब्स देखिए कैसे चमक रही है, और इसकी ट्यूब्स देखिए यहाँ पे देखिए कितनी धूल मिट्टी गंदगी आपको दिख रही है, और इसमें देखिए कहीं भी आपको दिखाई दे रही है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, जानकारी भरी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपको कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में आके आप बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।